जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसके सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बिकॉज मैं आपको उस आदमी का, उस शख्स का नाम बताने वाला हूँ जिसने फेक इंडस्ट्री की शुरुआत, सप्लीमेंट इंडस्ट्री, फेक इंडस्ट्री की शुरुआत इंडिया में करी। जानेंगे उसका नाम, उस शख्स का नाम है वही गंदा पाउडर मिला के उस लेबल के अंदर, डोरियन ये न्यूट्रिशन के अंदर ये लोगों को बेचते हैं। वी हैव टू क्लीन अप दिस इंडस्ट्री, और ये आपको ओलंपिया लेके जाएंगे। 2017 से 2023 हो गए, कौन गया ओलंपिया में? क्योंकि ये चाहता है ये ओलंपिया में जाए, और प्लस इनकी रेपुटेशन तो माशाल्लाह। हम लोग इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट और पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ रही है सर्वनन मनी की तरफ से। गेस्ट पोजिंग वाली अपडेट है, और रिसेंटली दोस्तों एक कॉम्पिटिशन हुआ था, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कॉम्पिटिशन था, चेन्नई डिस्ट्रिक्ट एमेच्योर कॉम्पिटिशन, जहां पर ये गेस्ट पोजिंग करते हैं। एंड हाल ही में दोस्तों ये मिस्टर साउथ एशिया के ओवरऑल टाइटल भी इन्होंने जीता था। रिकॉर्ड की बात करें तो गाइस कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी, जो इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा। 2021 से अपना ये रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जब इन्होंने मिस्टर इंडिया के अंदर कम्पीट करा था। एंड कॉम्पिटेटिव फील्ड के अंदर मैं कहना चाहूंगा कि ये काफी उभरते हुए बॉडी बिल्डर बनते हुए आ रहे हैं। इन दिस गेस्ट पोजिंग आप लोग देख सकते हो कि इनकी जो फिजिक है, जस्ट लुक एट द चेस्ट गाइस, चेस्ट वाली साइड से कितने ज्यादा राउंड लग रहे हैं, कितनी ज्यादा फिल्ड आउट चेस्ट इनकी नजर आ रही है। वहां पे बहुत ज्यादा डेंस मसल इन्होंने पैक करा हुआ है। एंड सेम गोज फॉर द बैक, बैक वाली साइड से भी काफी अच्छी जो इनकी शेप आती है। आई डोंट नो अबाउट द क्लासिक फिजिक गाइस, बट मुझे लगता है कि 212 डिवीजन के अंदर ही कैन डू सम डैमेज, और साइज तो इनको लेकर आना पड़ेगा। क्लासिक फिजिक के अंदर हालांकि ये कम्पीट कर सकते हैं, बट मिड सेक्शन वाली साइड से ही इज नॉट द बेस्ट मिड सेक्शन। वहां पर जो है इनको थोड़ा और रिफाइन करके अपना मिड सेक्शन आना पड़ेगा, खासकर कंट्रोल लेकर आना पड़ेगा। इनके साथ इनके दोस्त जो है कार्तिकेश्वर, जो कि एक और बहुत ही साउथ के जाने माने बॉडी बिल्डर है, काफी दोनों पुराने फ्रेंड्स भी है भाई। आप देख सकते हो कि बहुत ही पुराने टाइम से, मतलब 2019 की ये वाली फोटो है जब ये दोनों कम्पीट करना इन्होंने स्टार्ट करा था साथ में, जैसे राजा और डेल्टा की कहानी थी गाइस, वैसे ही कुछ इन दोनों की कहानी है। बाकी अभी तो खासकर ये दोनों काफी ह्यूज हो चुके हैं टाइम के साथ, बट सीरियसली गाइस सर्वर इनको कंसिडर करना चाहिए आईबीबी के अंदर कम्पीट करने के लिए, बिकॉज ही हैज गॉट द जेनेटिक्स। बाकी ये थी कुछ अपडेट, नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ रही नितिन चंदीला की तरफ से। और भाई छोटी सी अपडेट है, नितिन चंदीला दोस्तों 4 हफ्तों के बाद, यानी कि 4 वीक्स आउट, 1 महीने के बाद ही कम्पीट करने वाले हैं एशिया स्टेज पर, जो मिस्टर एशिया का कॉम्पिटिशन होने वाला है। बाकी दोस्तों फिलहाल कोई फिजिक अपडेट इन्होंने हम लोगों को नहीं दिखाई है। साउथ एशिया चैंपियनशिप के अंदर जो ये फिजिक लेकर आए थे, मोर ऑर लेस सेम ही फिजिक लेकर आएंगे, मतलब ज्यादा मस्कुलर आप लोग फिजिक नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बिकॉज इतने कम टाइम के अंदर ज्यादा गेन नहीं करा जा सकता, क्योंकि ये सारी चीजें ऑफ सीजन के अंदर जो है गेन करी जाती है। बाकी भाई प्रेप के अंदर जो है कंडीशन और सिमेट्री और बाकी अपनी पोजिंग पर जो है ध्यान दिया जाता है। ऑब्वियसली गाइस कंडीशन जो है साउथ एशिया के टाइम पे बहुत अच्छी फिजिक लेकर आए थे, कंडीशन वाइज कह रहा हूं। बाकी अगर मिस्टर एशिया के अंदर दूसरे बॉडी बिल्डर्स अगर ऑफ कंडीशन पर आ गए, तो हो सकता है कि गोल्ड मेडल के साथ ओवरऑल टाइटल में भी नितिन चंदीला कुछ कर सकते हैं। ये थी कुछ अपडेट्स, नेक्स्ट बड़ी अपडेट और नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ रही है आईबीबी प्रो इमरान खान की तरफ से। और एक मेजर अपडेट आ रही है भाई, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वैसे तो ये दुबई प्रो शो के अंदर कम्पीट करने वाले थे, लेकिन भाई अभी रिसेंट लाइव वीडियो पर आकर इमरान हम लोगों को बताते हैं कि दुबई प्रो शो से पहले शायद एक और शो के अंदर कम्पीट कर सकते हैं ये, क्योंकि भाई बॉडी जो है इनकी अच्छे फॉर्म में चल रही है, और कह रहे थे कि इनकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, तो हो सकता है कि दुबई प्रो शो से पहले ये एक और शो के अंदर कम्पीट कर सकते हैं। उसके बाद इमरान हम लोगों को बता देंगे दुबई प्रो के बाद स्पेन वाला शो होने वाला है, तो हो सकता है भाई वहां पे भी कम्पीट कर सकते हैं इमरान खान। तो 2-3 शोज इन्होंने प्लान करे हुए इस सीजन, तो मजा यार डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि इमरान का जो लास्ट शो था वो था सऊदी क्लासिक, जो कि आई बिलीव इस साल जनवरी में हुआ था, मतलब 8-9 महीने के बाद जो अपना लंबा गैप लेकर ही कम्पीट कर रहे हैं स्टेज पर चढ़ने वाले हैं। फिजिक यार मैं कहूंगा कि अपने जो है फुल फॉर्म पर इनके आ रही है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नोटिस हो रहा है भाई, खासकर मैं साइज के बारे में बात करूं तो शोल्डर्स आर लुकिंग मैसिव राइट नाउ, चेस्ट भी इनकी काफी कंप्लीट और राउंड नजर आ रही है। और लास्ट वीडियो में अगर मैं बात करूं तो यार इमरान की फिजिक में इतना साइज नोटिस नहीं हो रहा था, क्योंकि लाइटिंग की वजह से जो इतना साइज नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर जो कि रिसेंटली इन्होंने अपलोड करी है विद अ गुड लाइटिंग, वहां पर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नोटिस हो रहा है। तो भाई लाइटिंग बहुत जो है डिफरेंस और रोल प्ले करता है फिजिक कैसी शो होती है इंस्टाग्राम या फिर ऑनलाइन। बाकी दोस्तों एथलीट जो है अपने फुल फॉर्म पर आ रहा है, और मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हो रहा हूं कि इमरान खान इस बारी इस सीजन कैसा परफॉर्म करते हैं, और कैसा मतलब क्वालिफाई वगैरह कैसा करते हैं ओलंपिया के लिए। आसान नहीं हुआ क्वालिफाई करना, पर ये बात तो इनको भी पता है। नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं गाइस, जो कि आ रही है राहुल फिटनेस की तरफ से। अभी हम लोग साइज वाले मेंस फिजिक एथलीट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और हम लोग राहुल भाई के बारे में ना बात करें, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? लो भाई आ गई अपडेट, अभी 2 हफ्तों के बाद इन्होंने ट्रेनिंग करके अपनी हम लोगों को फिजिक दिखाई है। हालांकि जो 2 हफ्ते पहले की फिजिक थी, तब भी इन्होंने हम लोगों को अपनी फिजिक अपडेट दिखाई थी, लेकिन तब जो था इनका फीवर वगैरह कुछ चल रहा था और तबीयत इनकी खराब चल रही थी, लेकिन अभी 2 हफ्तों के बाद ट्रेनिंग करने के बाद इनकी फिजिक कुछ ऐसी नजर आ रही है। नई वाली अपडेट के अंदर थोड़ी जो है ड्रामेटिक लाइटिंग है, मतलब ज्यादा डार्क लाइटिंग है, और फिजिक भी दोस्तों ज्यादा टाइट नजर आ रही है व्हेन कंपेयर टू द लास्ट अपडेट। 15% का आप लोग कह सकते हो कि मेरे को डिफरेंस नोटिस हो रहा है, मुझे मत पूछना भाई कि मैंने कैलकुलेट कैसे करा। 1 महीने के बाद दोस्तों इनका प्लान है कि ये कॉम्पिटिशन खेलने वाले थे, अभी पता नहीं कि ये कौन से
शो के अंदर कम्पीट करने वाले, लेकिन ये इनका दोस्तों कुछ प्लान है। बाकी देखते हैं कि इस बार राहुल भाई अपने नए कोच कुलदीप सिंह यादव के साथ कैसी फिजिक का प्रदर्शन करते हैं स्टेज पर। नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ रही है भुवन चौहान की तरफ से गाइस। और कोई बड़ी अपडेट नहीं है गाइस, बस हम लोगों को भुवन चौहान इस अपडेट के अंदर बताते हैं कि उनकी प्रेप स्टार्ट हो चुकी है ओलंपिया के लिए। अभी फिलहाल कोई मेजर फिजिक अपडेट हम लोगों को नहीं मिली है, बट आप लोग देख सकते हो फोटो जो इन्होंने डाली अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, वो इनका स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है, यानी कि प्रेप वाली। अब इनकी प्रेप स्टार्ट हो चुकी है, तो इनकी प्रेप की स्टार्टिंग की फिजिक है। बाकी देखते हैं कि इस बारी भुवन अपनी फिजिक को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं इस बारी ओलंपिया की प्रेप के लिए। ऑब्वियसली उनके पास स्ट्रक्चर एडवांटेज है, और देखते हैं कि इस बारी ओलंपिया के अंदर जो डिसीजन होता है उनके फेवर पे जाता है या फिर नहीं जाता। नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ रही है लवप्रीत सिंह की तरफ से। और आई बी प्रो लवप्रीत सिंह का इस रीसेंट इंस्टाग्राम वीडियो के अंदर भाई मॉन्स्टर जैसे नजर आ रहे हैं इन अ गुड वे। अभी क्रैब मोस्ट मस्कुलर वाला पोज हम लोगों को करके दिखाते हैं इस अपडेट के अंदर, एंड इट रियली शोज द साइज। अभी फिलहाल इनके प्लान्स होल्ड पे चले गए थे, बिकॉज इन्होंने मुंबई प्रो शो के अंदर कम्पीट करना था, जो कि नवंबर के अंदर इनिशियली होने वाला था, लेकिन अभी मुंबई प्रो शो का भी पता नहीं है कि होने भी वाला है या फिर नहीं होने वाला। तो अभी इनका फोकस जो है इंप्रूवमेंट पे होने वाला है, अभी देखते हैं कि कौन से शो के अंदर ये कम्पीट करते हैं। लेकिन ये थी दोस्तों कुछ अपडेट लवप्रीत सिंह की तरफ से। नेक्स्ट बड़ी अपडेट और नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ रही है मीमो युवराज की तरफ से। और यूजुअली दोस्तों मीमो हम लोग अपनी फिजिक अपडेट्स तो दिखाते ही रहते हैं, और इस अपडेट के अंदर भी हम लोग अपनी फिजिक अपडेट दिखाते हैं, लेकिन उसके साथ दोस्तों रीसेंट स्टोरी के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे को नजर आई। मीमो वैसे दोस्तों टोक्यो प्रो शो की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अभी रीसेंट स्टोरी के अंदर हम लोगों को यूएई का फ्लैग दिखाते हैं। अभी दोस्तों यूएई का फ्लैग दिखाने का मतलब ये होता है कि कहीं ये दुबई प्रो शो के अंदर तो नहीं कम्पीट करने वाले हैं, क्योंकि भाई उसका फ्लैग लगाया और उसका कैप्शन भी लिखते हैं कि मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स एंड चेंजेस। तो इसका मतलब भाई यही हो सकता है कि ये दुबई प्रो शो के अंदर हो सकता है कि मीमो तैयारी कर रहे होंगे इस चीज की। अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन उसका फ्लैग लगाया तो भाई थोड़ा बहुत हिंट हम लोगों को दे रहे हैं। अभी टोक्यो प्रो शो का भी कंफर्म नहीं है कि वो खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, या फिर उन्होंने अपने प्लान्स चेंज कर वो सीधा दुबई प्रो शो के अंदर कम्पीट करेंगे। तो भाई ये थी कुछ अपडेट, अगर कुछ भी अपडेट ये कंफर्म करते हैं मीमो युवराज, तो आप लोगों को पता है कि चैनल पे अपडेट आ जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों मैं सीधा बढ़ते अपने इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स के अपडेट के ऊपर, और सबसे पहले दोस्तों मैं मेजर अपडेट लेकर आ चुका हूं लैरी व्हील्स की तरफ से। अभी दोस्तों ये मेजर अपडेट इसलिए क्योंकि रिसेंटली जो है लैरी व्हील्स अपने यूट्यूब वीडियो के अंदर हम लोगों को बताते हैं कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, और उसका रीजन हम लोगों को बताते हैं कि क्यों हुए थे हॉस्पिटलाइज्ड। अभी दोस्तों लैरी को एक कंडीशन हो गई है, अब उस कंडीशन का नाम है रैपडो। अब आप लोग पूछोगे भाई कि अब ये किस पनौती का नाम है रैपडो वगैरह, तो भाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक तरीके की कंडीशन होती है जिसमें जब स्ट्रेन्ड मसल या फिर इंजर्ड मसल एक प्रोटीन रिलीज करती है ब्लड स्ट्रीम में, जिसका नाम होता है मायोग्लोबिन, जो रिलीज होते ही किडनी और हार्ट पे इफेक्ट होता है और ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। अभी दोस्तों जो ये प्रॉब्लम है ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रॉब्लम से डेथ भी हो सकती है। अभी लैरी जो है काफी टाइम से वाले सिम्टम्स महसूस कर रहे थे, और जब उनका जो है पल्ला भारी पड़ गया तो डॉक्टर के पास जाते और उनको असली मामला पता चलता है कि असली उनकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो दोस्तों उनको पता चलता है कि किडनी जो है इनकी वो ऑलमोस्ट फेलियर के उस पे जो है स्टेज पर पहुंच गई थी। तो डॉक्टर ने दोस्तों अभी इनको फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह कंज्यूम करने के लिए कहा है, और अभी उनको डिस्चार्ज कर दिया है हॉस्पिटल से। हालांकि दोस्तों ये वाली कंडीशन काफी रेयर होती है, बट हो सकती है किसी को भी। और सिम्टम्स की बात करूं तो रैपडो के सिम्टम्स यही है कि मसल सोरनेस, जो रिकवर होने में जब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो या वीकनेस महसूस हो रही हो बॉडी में, और डार्क कलर का यूरिन आ रहा हो। तो ये थे कुछ सिम्टम्स, बाकी शुक्र है भाई लैरी व्हील्स को एंड के टाइम पे पता चल गया, बट मुसीबत से वो जो है बच गए, मतलब बाल बाल बचे लैरी व्हील्स भाई। और आगे जो भी अपडेट आती है कि लैरी व्हील्स का क्या स्टेटस है हेल्थ का, तो आप लोगों को पता है कि चैनल पे अपडेट आ जाएगी। नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ रही है हमारे करंट ओलंपिया मेंस फिजिक के चैंपियन एरिन बैंक्स की तरफ से। और गाइस अभी ओलंपिया से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एरिन बैंक्स लीजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अंदर कम्पीट करने वाले हैं। एंड इवन दो गाइस वो अच्छे नजर आ रहे हैं अभी भी भाई, मतलब स्टेज रेडी वो नजर आ रहे हैं, मतलब आप लगा लो कि अगले हफ्ते ये चाहे तो स्टेज पर चढ़ सकते हैं, मतलब इतनी अच्छी कंडीशन के अंदर ये नोटिस हो रहे हैं, मतलब बॉडी शेप के अंदर नजर आ रही है। और इनको भी पता भाई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहे अपने फिजिक के ऊपर, बिकॉज ही नोज कि एरिन बैंक्स इस टाइम पे मेंस फिजिक का स्टैंडर्ड बने हुए हैं। और एरिन बैंक्स की फिजिक को देखकर जो है आईबीबी ने जो है अपना स्टैंडर्ड बना रखा है इस टाइम पे मेंस फिजिक की, जो भी जजिंग वगैरह होती है। एरिन बैंक्स को बस माइनर ट्वीक्स एंड इंप्रूवमेंट्स करने पे फोकस करना होगा, बाकी जब वेट्स अनाउंस करते हैं ओलंपिया वाले, जब इस साल को ओलंपिया हो जाता है उसके बाद वेट कैप ये लोग अनाउंस करेंगे, तो उसके बाद एरिन बैंक्स देखेंगे कि इनको कितना वेट अपना एडजस्ट करना होगा, उसी हिसाब से ही करेंगे। ये थी कुछ अपडेट दोस्तों एरिन बैंक्स की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, हमारे एक और मेंस फिजिक ओलंपियन एथलीट जिनका नाम है दोस्तों एडविन पाल्मेरा। अभी दोस्तों मैं इनकी 6 weeks आउट की अपडेट लेकर आ चुका हूँ, एंड ऑनेस्टली गाइस ही लुक्स रेडी, स्टेज रेडी है नजर आ रहे हैं। आप लोग इनकी कंडीशन देख सकते हो कि अपनी इनकी बॉडी जो है ज्यादा टाइट हो चुकी है। लास्ट ईयर ओलंपिया की बात करो तो ये टॉप 5 आए थे ओलंपिया में, एंड ही वॉज लुकिंग डैम इम्प्रेसिव इन द लास्ट ओलंपिया। बट हाँ एक बात तो है कि इनको क्वालिफाई तो इस साल के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस फिजिक और बाकी डिविजन के अंदर एक्सेप्ट ओपन बॉडी बिल्डिंग टॉप 3 आना होता है क्वालिफाई करने के लिए। ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर जहां पर टॉप 5 आना होता है क्वालिफाई करने के लिए अगले साल, तो भाई ये टॉप 5 आए थे, लेकिन मेंस फिजिक डिविजन के अंदर इस कारण की वजह से इनको
है क्वालिफाई इस साल के लिए करना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि एडवन कैसा परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अपडेट पे बढ़ते हैं गाइस, जो कि आ रही फिजिक अपडेट स्टीफन मटाला फ्रेंच डीनो की तरफ से। और ये वाली अपडेट मेरे को खासकर काफी इंटरेस्टिंग लगी, बिकॉज स्टीफन मटाला को यूजुअली हम लोग जिम के अंदर काफी पंप्ड अप फिजिक के साथ जो है पोजिंग करते हुए देखते हैं, जब उनकी फिजिक एकदम क्रेजी लग रही होती पंप के साथ और लाइटिंग भी बहुत ही अच्छी होती है उस टाइम पे, और मतलब काफी अच्छी डाउन लाइटिंग के अंदर ये पोजिंग करते हैं। लेकिन इस अपडेट के अंदर दोस्तों नॉर्मल लाइटिंग के अंदर विदाउट पंप वाली फिजिक अपडेट हमारे साथ शेयर करते हैं स्टीफन, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि काफी असली फिजिक हमारे साथ अपनी शो करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अपनी फिजिक को एडिट करके या फिर डाउन लाइटिंग के नीचे अपनी पोजिंग कर रहे हैं, बट असली फिजिक जो इनकी नॉर्मल लाइटिंग के अंदर नजर आती वो हम लोगों को शो करते हैं। तो उस हिसाब से कहना चाहूंगा कि स्टीफन तब भी काफी इंप्रेसिव नजर आते हैं नॉर्मल लाइटिंग के अंदर भी और विदाउट पंप भी। तो ये थी वही कुछ अपडेट, बाकी बहुत ही जल्द अपने अगले शो की जो है तैयारी कर रहे हैं और क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे ओलंपिया के लिए। बाकी देखते हैं स्टीफन मटाला का फ्यूचर तो अच्छा ही है इस डिवीजन के अंदर क्लासिक में, और कैसे अनफोल्ड होती है स्टोरी चैनल पे अपडेट आ जाएगी। बाकी दोस्तों हम लोग अपनी लास्ट टू अपडेट्स के ऊपर बढ़ते हैं, और काफी दोस्तों स्पेशल अपडेट आ रही है। एक अपडेट आ रही है दोस्तों रोहित खत्री की तरफ से, जो कि रिसेंटली दोस्तों अपना कोच चेंज कर चुके हैं, प्रेप कोच, जो कि दोस्तों पहले इनके कोच होते थे अंकुर शर्मा सर होते थे इनके कोच, अभी दोस्तों ने चेंज करके अपना जो है मुकेश सिंह गालोट गुरुजी को अपना कोच बना लिया। रीजन हम लोग अपने यूट्यूब वीडियो के अंदर ये बताते हैं कि अंकुर शर्मा को छोड़ने का रीजन यही था कि टाइम और डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता था इन दोनों के बीच में, तो इस कारण की वजह से ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी कंसिस्टेंटली। बाकी जो मुकेश सिंह गालोट जी का जो जिम है वो काफी पास भी पड़ता है इनके घर के, तो इस कारण की वजह से रोहित खत्री ने अपना कोच चेंज कर लिया और मुकेश सिंह गालोट को अपना जो है गुरु बनाया। बाकी डेफिनेटली जो गुरु जी है काफी जाने माने कोच है इंडिया के, काफी इनकी जो है काफी लेवल की कोचिंग देते हैं और सारे स्टूडेंट जो है गुरुजी की रिस्पेक्ट करते हैं। तो भाई देखकर अच्छा लग रहा है कि रोहित भी जो है अब देखते हैं कि किस टाइप की फिजिक लेकर आते हैं इनके अंडर और कैसी फिजिक को ये ट्रांसफॉर्म करते हैं अंडर मुकेश सिंह गालोट। बाकी दोस्तों आप लोगों को ये वाली अपडेट कैसी लग रही है, आप लोगों को लगता है कि जो रोहित है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अंडर ट्रेनिंग अंडर गुरुजी? अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लास्ट स्टोरी और लास्ट अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं गाइस, जो कि आ रही है तरुण गिल की तरफ से। और फाइनली दोस्तों उनका रिटर्न हो चुका है, रिटर्न उनका स्टेज पर नहीं हुआ है, उनका स्क्रीन पर रिटर्न हुआ है भाई। काफी टाइम से जो है शांत हो गए थे, लेकिन अभी दोस्तों कुछ बोलते हैं और क्या बोलते हैं भाई, शेरू क्लासिक और शेरू अंग्रेज पे जो है इन्होंने आवाज उठाई है और फेक सप्लीमेंट्स पे कुछ बातें बोलते हैं और कैसे बिजनेस शुरू हुआ था फेक सप्लीमेंट्स का इंडिया के अंदर। तो आइए हम लोग सुन लेते हैं कि तरुण गिल क्या कहना चाहते हैं। जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसके सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बिकॉज मैं आपको उस आदमी का उस शख्स का नाम बताने वाला हूँ जिसने फेक इंडस्ट्री की शुरुआत, सप्लीमेंट इंडस्ट्री फेक इंडस्ट्री की शुरुआत इंडिया में करी। जानने ही उसका नाम, उस शख्स का नाम है शेरू अंग्रेश। शेरू अंग्रेश वही जो एक एक्सपो के प्रमोटर भी हैं, जो आप सबको वादे करते हैं ओलंपिया लेके जाने के लिए। तो कैसे इन्होंने ये फेक सप्लीमेंट, पहले इंडियन जो फेक सप्लीमेंट इंडिया में लेके आए, कैसे लेके आए, तो आइए जानते हैं। तो इसकी शुरुआत हो जाती है 2007-8-9 में, उसी साल के दौरान में जब ये यूके में मिलते हैं हमारे 6 times मिस्टर ओलंपिया डोरियन येट से, और डोरियन येट को बहुत कन्विंस करते हैं, मनाते हैं। आपको पता है शीशे में तो उतारने में ये माहिर हैं ही हैं लोगों को, उनको बोलते हैं कि हम एक अपनी सप्लीमेंट कंपनी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम था डीवाई न्यूट्रिशन, डोरियन येट न्यूट्रिशन। वो कंपनी स्टार्ट करते हैं और फिर इतना कन्विंस करने के बाद डोरियन येट मान जाते हैं। उसके बाद ये कंपनी शुरू होती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूएस में होती है, लेकिन आप ये देखिए कि वो लोगों से, डिस्ट्रीब्यूटर्स से सारा पैसा उठा लेते हैं कि उनको, आपको डोरियन येट्स का एक सप्लीमेंट लाइन आ रही है, हम उनकी सप्लीमेंट भेजेंगे आपको, चाहे वो इंडिया हो कहीं भी हो, हम आपको उनके सप्लीमेंट्स भेजेंगे। लेकिन ये हर डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा उठा लेते हैं, लेकिन उनके पास, किसी के पास भी डोरियन येट्स का सप्लीमेंट नहीं जाता। हमारे शेरू जी भाग जाते हैं ये पैसा उठा के डिस्ट्रीब्यूटर्स का, फिर डोरियन येट्स अपनी जेब से वो पैसा सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिफंड करते हैं और वीडियो बनाते हैं कि मैंने शेरू जैसा करप्ट आदमी आज तक नहीं देखा, और आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी कभी भी शेरू अंग्रेज के साथ काम मत कर। जब फाइनली प्रोडक्ट्स ये जो डोरियन येट्स के इंडिया में आ जाते हैं, जो भी बचे हुए होते हैं वो बिक जाते हैं, लेकिन डोरियन येट्स का नाम तो आ गया इंडिया में, तो आपको फिर पता ही है उनको, लोगों को लगा कि यार डोरियन येट्स का नाम आ गया, क्यों ना हम उनका लेबल यूज करके अंदर अपना माल डाल दें। बिकॉज जब डोरियन येट्स ने वीडियो बनाया कि यार मैंने सबको रिफंड कराया डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी जेब से, तो वो कंपनी बंद हो जाती है, डोरियन येट्स न्यूट्रिशन वहीं पे बंद हो जाती है। 2012-13 में फेक सप्लीमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं डोरियन येट्स न्यूट्रिशन के, जिसका डोरियन येट्स से कोई लेना देना नहीं है। एंड गेस व्हाट, वो सप्लीमेंट पहले कौन बनाता है? हमारे अपने शेरू अंग्रेजी, वही
गंदा पाउडर मिला मिला के उस लेवल के अंदर डोरियन यीस्ट न्यूट्रिशन के अंदर ये लोगों को बेचते हैं। ये बेचने के बाद लोगों को सबको इनकरेजमेंट मिलती है, अरे यार ये तो बहुत आसान काम है, फॉरन लेबल लो, लेबल के अंदर कुछ भी डब्बे में कुछ भी मिला दो और बेच दो, 300 रुपये 400 रुपये का बनेगा और उसको बेच दो 4000 5000 में, इससे अच्छा प्रॉफिट और क्या होगा। यहाँ से वो सबको सिखा देते हैं नकली सप्लीमेंट कैसे बनते हैं और कैसे बेचे जाते हैं। दिस इज शेमफुल। एक तरफ आप लोगों को ओलंपिया लेके जाने का वायदा करते हो, दूसरी तरफ तो दोस्तों फिलहाल जो है तरुण गिल शेरू अंग्रेज और शेरू क्लासे के पीछे पड़े हुए हैं और उन फिलहाल जो है उनको एक्सपोज करने का उन्होंने जो है पीछे पड़ गए, मतलब उनके उनका कांड एक्सपोज करना चाहते हैं, जो पुराने कांड हुए हुए हैं उनको सामने लेकर आ रहे हैं इस टाइम पे। बाकी इस वक्त पे शेरू अंग्रेज और उनकी टीम शेरू क्लासे की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ऐसा तो नहीं आया। बाकी मैं आप लोगों के थॉट्स जानना चाहूंगा कि आप लोग इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हो। बस मेरे थॉट्स यही है भाई कि जो फेक सप्लीमेंट्स है उनसे तो भाई दूर रहना, बिकॉज सप्लीमेंट ना लो वो ज्यादा बेटर है, बट फेक सप्लीमेंट्स तो भाई भूल के भी मत लेना। और बहुत ही जल्द दोस्तों मैं एक अनाउंसमेंट लेकर आने वाला हूँ चैनल पे बहुत ही जल्द, और शायद अब आपको अगली या फिर उससे अगली वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को अनाउंसमेंट मिल जाएगी। और फिलहाल आप लोग अपने थॉट्स बता सकते हो जो अभी पूरा फेक सप्लीमेंट स्कैम वगैरह जो एक्सपोज कर रहे हैं तरुण गिल, आप लोगों के थॉट्स हैं उसके बारे में, आप लोग एग्री करते हो उनके स्टेटमेंट्स या फिर नहीं एग्री करते हो, जो भी आप लोगों के थॉट्स एंड फीलिंग्स है भाई कमेंट के अंदर खुला अपनी दिल की चिट्ठी लिख दो। उसके साथ दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को बहुत बड़ा लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब करिए बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर को। तो मैं आप सभी लोगों को मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।